हम आपको थोड़ी देर में बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और इधर थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या ये था वहाँ पे जाके बोलता है अलाउद्दीन खिलजी, उसको बोलता है कि हम तुमको पूरा रणथंभौर जितवा दो, हम तुमको राजपाट है ना उसी को दे देंगे। तो फिर उन लोग गद्दारी कर दिया, राजा को पता चल गया था। सो हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर लाइफ। तो हम लोग सवाई माधोपुर के लिए ट्रेन पकड़ चुके हैं और यहाँ से पेनल्टी देने के लिए रेडी हैं। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर लाइफ। तो हम ये होटल ले लिए थे, शायद लास्ट वीडियो में देखे होंगे। तो ये होटल हमको 600 रुपये का पड़ा है, ठीक ही है। स्टेशन के बगल में था, सवाई माधोपुर पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ से जाना है हम लोग को रणथंभौर फोर्ट के लिए और टाइगर सफारी भी करना है, उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और एक बात बताना चाहेंगे, ये जो रणथंभौर फोर्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और राजस्थान का सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट में आता है ये रणथंभौर फोर्ट। तो इसी को चीज करते हुए अब हम लोग निकलते हैं आगे की ओर और अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो गाइज ये होटल था, अब यहाँ से निकल गए, स्टेशन के जस्ट सामने ही मैं देख सकते हो, मेरे पीछे में स्टेशन है। अभी जो क्विक अपडेट बैठ गए ऑटो में, अचानक से बोलोगे कहाँ, हम पहले स्टेशन गए थे, हमको चित्तौड़गढ़ का टिकट चाहिए था, चित्तौड़गढ़ का टिकट कटवा लिए हैं, वेटिंग में है। वही करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर जनरल टिकट मिलता नहीं है और उसके लिए तो पहले से बुकिंग करवाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा होने लगता है। तो वही सिस्टम कर लिए हम लोग, ऐसे कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जा रहे हैं बुकिंग काउंटर के लिए, क्योंकि अगर आप लोग रणथंभौर फोर्ट और या यहाँ का टाइगर रिजर्व के लिए आते हो तो थोड़ा संभल के रहना। हम आपको थोड़ी देर में बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और इधर थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड ऑथराइज सो हे गाइस, सिल्फगढ़ हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ पे टिकट वगैरह लेने के लिए आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा खाली है, देखो क्या होता है। सो हे गाइस, अभी हम बैठे हुए हैं इधर ही, देख सकते हो जीप वगैरह में। तो अभी बैठ के हम बात कर रहे थे भैया लोग से, क्योंकि जाना है गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल के लिए। फिर वहाँ पे सिल्फगढ़ हम आधा रास्ता गए थे, फिर रिटर्न आ गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा झमझम हो रहा था, हमको सही नहीं लग रहा था। फिर हम वापस आ गए, उसके बाद यहाँ पे आए तो भैया ये हमको मिले हैं, यही भैया हमको पूरा मदद किए हैं, कैसे क्या यहाँ का सिस्टम है पूरा समझाए। और ये भैया खुद सफारी करवाते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि भैया केंट जीप चलवाते हैं ना भैया आप, जिप्सी, हाँ जिप्सी, भैया का जिप्सी चलता है। और कल ही गए थे लेकिन कल नहीं मिला था, लेकिन उसके पहले गए थे तो टाइगर किस पे अटैक किए हुए थे गाय पे। और भैया का ऐसा ऐसा कहानी है, बोलते हैं कि बगल से गुजर जाता है। तो हे गाइस, फाइनली ये कंक्लूजन निकला, 800 में हम लोग इसको बुक कर लिए हैं और हम लोग सबको मिल के जा रहे हैं। और भैया जी आ गए, उनको हम लोग क्या अरे वाह, तो फिर यही है हम लोग अब बंदर तो ले लेगा, इसीलिए बंदर से हमको छुपा के रखना है, बंदर तो ले लेगा। तो गाइस ये देख लिए, अभी हम लोग यहाँ पे पूरा इन्जॉयमेंट करते हुए सामने उठ, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जाएंगे पहले गणेश टेम्पल। और रणथंभौर फोर्ट के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा, वो अनबीटेबल था, उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सका है, तो उसको उस हिस्टोरिकल रीजन से वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग रणथंभौर फोर्ट पहुंच गए, बहुत ही मेहनत करना पड़ा। हम आपको पूरा हिस्सा बताएंगे सुबह से अभी तक में क्या क्या हुआ है। तो ये हमारे भैया है, हाँ हाँ जल्दी जल्दी आ जाएंगे, कोशिश से जल्दी करेंगे, साथ में निकल जाएंगे, हाँ हाँ। और फिर ये रहा आपका जहाँ से एंट्री होता है टाइगर सफारी के लिए, यही गेट है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे घूम ही रहे थे, देख रहे थे सब कुछ माहौल वगैरह, भैया हमको मिल गए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हम बोले इसको रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, सबसे बढ़िया वही रहेगा। भैया अब बता दीजिए एक बार और क्या क्या था, दोबारा मेहनत करवा रहे हैं आपसे, सॉरी। जोन वाइज
जाते हैं इसमें, जैसे टिकट बुक कराने के बाद में जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जैसे पानी की जगह टाइगर वगैरह दिख जाता है। हाँ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेनली, अगर ये जो गेट है सफारी स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है। और ये देख लो पूरा आपका, ये क्या बताना है, तीसरा गेट पार किया है, चौथा गेट, चौथा गेट पार किया है, बता दो, बता दो, आप बता दो। हमने चौथा गेट पार किया, कितना दूर है बड़ा? हाँ, इसको सब नहीं होगा, बता दो, भूल गए क्या बताना? हे गाइस, पहले मनिंदिया काफी नहीं था, मधुकेशिया काफी नहीं था, अभी ये भी है। बोलते हैं ना जो अलग अलग किस्म का, पहले ये छोटा छोटा चीज को लेके यूज किया जाता था, वो अलग लेवल पे लेके जाता था, बहुत ही ज्यादा पैरल लग रहा है इस चीज। और ये पिलर अलग लेवल पे, ये छोटा सा शायद मंदिर होगा तो वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी यूज में नहीं है। तो भाई ये देख रहे हो मेरे पीछे में एक मंदिर बन रहा है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये 40 असल में बड़ा है। और इसके रणथंभौर जितना बोल सकते हो अनबीटेबल था, और उसका इसका उतना ही ज़्यादा खिस्सा भी है। जैसे कि ये सबसे प्यारा खिस्सा है, जब अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे अटैक किया था तो बोला जाता है कि जब वो अपनी सारी बीवियों को बोल रहे थे कि अगर ये अलाउद्दीन खिलजी जीतता है तो वो ब्लैक फ्लैग को लहराते हुए अगर आता है तो आप लोग सारा चले जाइएगा अपने अपने चीता पर। आप लोगों को मालूम होगा कि पहले लड़कियों पर भी कब्जा कर लिया जाता था, मंदिर है उधर मत जाओ, आ जाओ, क्योंकि लड़कियों पे भी कब्जा कर लिया जाता था, उसी के कारण वो लोग अपना स्वर्ण दान मतलब कि अपने आप में चिता में डाल देती थी, झोंक देती ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे ये करने के बाद। लेकिन उसमें क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी हार जाता है तब भी, लेकिन वो जो सेना होता है इधर इस साइड से वो क्या करता है, ब्लैक फ्लैग लहराता आता है, जिसके कारण जितनी भी औरतें थी सबको चिता में लहरक जाती है। गाइड है भाई यहाँ पे, गाइड ये स्टोरी सुना रहा है, अलग 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 तरह का अलग अलग स्टोरी है, वो जानते रहेंगे। आप यहीं पे रहती हैं सर जी? नीचे गाँव है, मासूर रोज आऊँ। नीचे गाँव है, मासूर रोज आए, रोज आऊँ। ओ, ये बहुत बड़ा किला है ना, कितना? यह 7 किलोमीटर का एरिया में, 7 किलोमीटर के एरिया में। दादी ना तो अंग्रेजी भी जावे जीने के लिए, पैसा उसा के लिए। यहाँ पे कमाई का जरिया क्या चीज है ज्यादातर? अच्छा, महाराज देवे है। जे भी कोई धंधो देवे जे जी में लाभ आई दे। अच्छा, गणेश जी महाराज। ओ, थोड़ा हम भी पानी पी ले। हम भी पानी पी। धन्यवाद दादी। और ये मतलब पोशाक को आप लोग बोलती क्या चीज है? घाघरा लुगड़ी। घाघरा लुगड़ी दुगड़ी लुगड़ी लुगड़ी। अच्छा, घाघरा ये हो गया, लुगड़ी ये होगी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद दादी। तो गाइस ये थी घाघरा डुगड़ी, और पानी भी पी लिए, थोड़ा प्यास लगा हुआ भी था। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। हमसानी भाषा में खम बोलते हैं, 32 खम की क्षेत्र हो जो, लेकिन मेन इसमें मीटिंग लेते थे उसमें, इसमें यहाँ पे मीटिंग होता महाराजा। यहाँ के महाराजा कौन थे भैया? सवे मान सिंह जी। सवे मान सिंह जी। ये हवन वगैरह के लिए होगा मोदी अगर अभी आप लोग देख रहे होगे वीडियो, अगर अभी तक देख रहे होगे तो, नहीं तो स्किप कर दिए तो कोई बात नहीं, अगर देख रहे होगे तो बोल रहा होगा कि क्या उस समय से गेट दिखा रहा है, कभी कुछ हिस्ट्री बता रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा है। तो देखो मेरे पीछे का ये सीन है, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है तो बगल से जाके दिखाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए, बस देखना आपको। कितना क्यूट बच्चा है। हाँ, पकड़ने का कोशिश तो एकदम मत करना। पीछे देखो। भाई अभी हम लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं।
सो गणेश टेम्पल के पास तो आए हुए थे, मंदिर अभी बंद है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मार्केट। अगर आप लोग ऊपर आते आते थक जाते हो तो आके यहाँ पे आराम से बैठ के थोड़ा सा पानी वगैरह पी लो, रेस्ट वगैरह कर लो, उसके बाद यहाँ पे दर्शन कर लेना। इधर भागो 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 भागो, अब लाइन में लग जाते हैं, दर्शन करने का समय हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जो प्रसादी निकाला गया था वो हम ही लोग के लिए होता है, जो हम लोग ले लिए, हमने शॉर्टकट में लिया, दूर से भगवान जी के दर्शन कर लिए और हमने शॉर्टकट में प्रसाद भी ले लिया। वाह वाह वा। आप भी कुछ कर दो। मैं क्या करूं? वाह 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 वाह। तो यही है, अब यहाँ से प्रसाद का मजा लेते हुए अब हम लोग यहाँ से निकले हैं। ऐसे टाइम भी बच जाता है, भगवान का दर्शन भी हो जाता है। तो गाइज एक बात आपको बताते हैं, ये जो आप सिर देख रहे हो तो मालूम होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब लड़ाई चल रहा था तो राजा अलाउद्दीन खिलजी देखा कि इस पर फतेह नहीं हो पाएगा, तो फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाया, बोला कि राजा को बुलाता है कि आइए बातचीत करके इसको सलटा दिया जाए हम लोग के भाषा में। तो फिर उसके बाद वो समझ गया था कि कुछ भी हो सकता है, तो वो अपना 3 सेना को भेजा, आदमी लोगों को भेजा कि जो भी उसके प्रिय था वहाँ पे जाके बोलता है अलाउद्दीन खिलजी, उसको बोलता है कि हम तुमको पूरा रणथंभौर जितवा दो, हम तुमको राजपाट है ना उसी को दे देंगे। तो फिर उन लोग गद्दारी कर दिया, राजा को पता चल गया था तो उसका सर को काट के यहीं पर डाला गया था, इसी के याद में इसको डायरेक्ट गेट पर इसको डाला गया इसी के कारण। तीनों सर है? हाँ तीनों सर, ये टूट गया। और ये जो गेट देख रहे हो इसका एलिफेंट हाथी पुल है ना, क्योंकि इसको देखो हाथी, ये जो देखोगे पहाड़ तो हाथी जैसा लगेगा, देखो यहाँ पे बैठा हुआ हाथी है, इस ये नेचुरली टूटा हुआ है। तो गाइस एक बात बताना चाहेंगे, मेरा पहला बार कोई सब्सक्राइबर हमको मिला है, थैंक यू सो मच। और मैम भी मेरे बारे में जानती थी, मैम भी बोल रही थी कि घुमंतु विश्वजीत सुना सुना हुआ है, आप देखी थी क्या? देखा, थैंक यू सो मच। हम अरे भाई हम बता नहीं सकते, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुआ हमको, पहला बार कोई है कि बोला कि हम आपको जानते हैं ऐसे, मतलब कि एक बार हम गए थे ना तो वहाँ पे एक मिला था दोस्त लोगों को ही, मतलब इसी तरह ग्रुप में था, तो वो लोग मतलब कि हम फोटो खींचते, मतलब कि बोला कि आप आ जाइए फोटो में सब खिंचवा लीजिए, आप कहीं बड़े आदमी बन जाइए, हमको लग रहा है आप बनिएगा, तो फिर वो पहले ही फोटो खींचे रख ली थी। वो समय भी अलग लेवल पर था, ये समय भी अलग लेवल पर, आगे और बढ़ता जाएगा। हाँ अभी आगे आ रहा है, आगे क्या होता है। और ये आपका नाम तो बता ही नहीं, सुहानी। और आपका बाबू, चलो ये सबसे बढ़िया नाम। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं रणथंभौर से, उसके बाद इस बार भी हम लोग टाइगर से सफारी छोड़ दिए हैं, अगले बार आएंगे तो फिर उस समय देखा जाएगा। आज लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो नेक्स्ट लेवल का हुआ है, ये याद रहेगा हमको। क्या मैं याद नहीं रहेगा? अलग लेवल का चीज़ हो गया। सो हे गाइस सॉरी, डायरेक्ट यहाँ पे स्टेशन पे उतार रहे हैं आप लोगों, पीछे का पूरा हिस्ट्री नहीं बताए थे, हिस्ट्री बताया नहीं, बता देते हैं अभी लेकिन दिखा नहीं पाए क्योंकि मेरा हो गया था मूड ख़राब। लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम था, आपको याद होगा कुफरी वाले में हम बात कर रहे थे कि कुफरी में कैसे 500 रुपये आप लोग को ऐसा प्रिडिक्ट किया जाएगा कि नहीं आपको घोड़ा ले ही के जाना है, तो वही चीज़ कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा था, हमको रणथंभौर टाइगर सफारी करना था लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ का एजेंट वगैरह ऐसा सीन किए हुए। अगर आप वेबसाइट वगैरह कुछ भी अगर जाते हो तो पॉपअप उसी का वेबसाइट होता है, गवर्नमेंट वाला शो ही नहीं कर रहा था, तो जिसके कारण हम वो बुक भी नहीं कर पाए थे और इधर उधर जा भी नहीं पाए थे। तो देखते हैं देखे क्या, फिर उसके बाद हम मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया क्योंकि एक एजेंट से बात हुआ था लेकिन वो बोला कि 10 बजे लमसम में आना है, तो उसी के कारण हम गणेश मंदिर भी नहीं जा पाते, फिर हमको चूज़ करना पड़ा गणेश मंदिर या रणथंभौर फोर्ट, नहीं तो फिर ये टाइगर रिजर्व सफारी के लिए। तो
रणथंभौर फोर्टी को चूज़ किए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उसको चूज़ करने के बाद आ गए, उसका निकल के यहाँ पे आ गए थे। मूड मेरा एकदम ख़राब हो गया था, कुछ नहीं किए, आराम से खाना वाना खाए, गाना सुन रहे, ईयरफोन वगैरह देख रहे होंगे। तो आगे का अपडेट ये है कि अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़, ट्रेन वगैरह टिकट कटवा लिए थे, वेटिंग था मेरा 200, पता नहीं कैसे, मतलब कि शायद 188 था और मेरा टिकट कंफर्म हो गया पता नहीं कैसे। तो चित्तौड़गढ़ के लिए तो फिक्स हो गया है, सुबह में 5 बजे पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि उसके पहले ही हमको उतरना है, मेरा एक दोस्त है उसके पास जाना है हमको, हो सकता है उसी के पास जाएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो भाई क्या कर रहे हो, कर दो।